Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा के शंकर मंदिर के पास बावड़ी यानी कुएं में 55 वर्षीय युवक की मिली लाश। पूरे परिसर में शंकर मंदिर के आसपास मचा रहा हड़कंप। दरअसल ये घटना शंकर मंदिर के आजमी टावर के पास घटी है। उस टावर में मृतक आजाद रजाक 55 वर्षीय उम्र है, उसमें रहता था अपने परिवार के साथ और उसी आजमी टावर के बगल में ये बावड़ी है। बावड़ी काफ़ी पुरानी है और उसी बावड़ी में सुबह 9 बजे के आसपास जो है मृतक की लाश तैरते हुए देखा और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मुमरा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कुछ ही मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। इसी तरह से बावड़ी में तैरती लाश को बाहर निकाला गया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस घटना को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर कैसे ये घटना घटी। 55 वर्षीय आज़ाद जिसकी मौत हो गई, कैसे इस कुएं के चपेट में आया, इसके पीछे की क्या राज है, पुलिस तहकीकात में ही पता चल पाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है, इसी कुएं के आसपास हम लोग दिन रात में अक्सर बैठे रहते हैं, लेकिन कल रात कितने बजे की यह घटना है, कितने बजे ये घटना घटी है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। बहरहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना को लेकर पूरे शंकर मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।